शहर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का विधान संपन्न हुआ। बस्तर जिला डट सेना कलार समाज के द्वारा भगवान शस्त्र बाहु की जयंती मनाई गई। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई करते हुए दो शिक्षकों की सेवा समाप्त। गुजराती समाज जगदलपुर के द्वारा श्री जलाराम बप्पा का 224वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। अब खबरें विस्तार से। छठ पूजा का पर्व सनातन धर्म में बेहद खास माना जाता है। आज के दिन भगवान सूर्य और छठ माता की पूजा का विधान है। छठ महापर्व का विधान स्थानीय गंगामुंडा तालाब में संपन्न हुआ। 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगामुंडा तालाब में जमा हुए। ऐसा माना जाता है कि छठ के दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्रत करने वाले श्रद्धालुओं के सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं के संतान का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और उनके बच्चों को लंबी आयु मिलती है। 20 नवंबर को उगते सूरज के अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। व्रती द्वारा सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखकर दिया जाता है और सूप में दीपक जलाया जाता है। 17 तारीख से हम लोग का पर्व चालू है। आज है मतलब शाम के यहाँ सुबह है, सुबह आने यहाँ हम लोग छठ पूजा होता है। मतलब आज क्या है कि पहला अर्घ है और कल मॉर्निंग में जो होगा वो मतलब आज जो है डूबते हुए जो अस्त जो होते हैं सूर्य उनको अर्घ देते हैं और कल जो है जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे कल मॉर्निंग में। इसमें क्या है कि 36 घंटे का उपवास रहता है। कितने दिन का कार्यक्रम रहती है ये? स्टार्ट तो हो गया है, मतलब कि मान लीजिए लेकर 17 तारीख से स्टार्ट हो गया है। जी है ना। तो उसके बाद कल 18 तारीख था, कल भी ये लोग उपवास थे। कल शाम के टाइम में जो है खीर और रोटी खाए हैं और उसके बाद फिर उपवास रहे हैं, अभी उपवास हैं। कल मॉर्निंग में जाकर इनका उपवास करता हूँ। ये लोक आस्था का महापर्व छठ देश ही नहीं आज अपितु पूरे विश्व में माना जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। ये दिवाली के 6 दिन के बाद होती है। चार दिवसीय लगातार 4 दिन तक चलने वाला ये महापर्व है। नहाए खाए से शुरू होता है। आज कल खरना था, आज हमारा 3रा दिन है। सूर्यास्त का आज अर्ध हुआ है। कल सुबह हम लोगों का सूर्य उदय का अर्ध होगा। कल सूर्योदय के अर्ध के बाद हमारा छठ का त्यौहार समाप्त होगा। ये विश्व में शांति, घर परिवार में बाल बच्चों के लिए महिलाएँ उपवास करती, निर्जला उपवास रहता है। ये हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है और 36 घंटे का निर्जला उपवास रहता है। इसमें इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं, पूरे विश्व में मना रहे हैं। अब ये त्यौहार दिवाली के 6वें दिन जब महिलाएं अपने पुत्र या परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए, रक्षा के लिए, उन संतान प्राप्ति के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। विशेष तौर पर इसको पुरुष भी करते हैं। बस्तर जिला डट सेना कलार समाज के द्वारा भगवान शस्त्र बाहु जी का आज जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि भगवान सहस्त्र अर्जुन चंद्रवंश के आदि पुरुष चंद्रमा बड़े ही तेजस्वी, शक्तिशाली, प्रतापी तथा कीर्तिमान सम्राट थे। उन्हें तेज सुंदरता व औषधि विज्ञान का वरदान प्राप्त था। उन्होंने श्रेष्ठ औषधियों तथा सोमरस का आविष्कार किया था। महाराज चंद्र के राज्याभिषेक पर ही सर्वप्रथम वेद मंत्रों का प्रयोग हुआ। राजा चंद्र के वंशज सहस्त्राजीत के वंश में भगवान सहस्त्र अर्जुन महाबाहु एवं कोष्टा के वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इनकी कीर्ति व यशगान वेदों और पुराणों में उल्लेखित है। भगवान विष्णु के 27 अवतारों में इन्हें भी एक अवतार माना गया है। इनके द्वारा रावण को भी एक बार युद्ध में पराजित किया गया था। सहस्त्र बाहु की जयंती पर समाज के सभी गणमान्य नागरिक एवं पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। आज हमारे सौगत के दिन द्वारा हमारे महाराज के देव राजेश्वर सहस्त्र बाहु अर्जुन की जयंती मनाएंगे।
काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में, और हमारे साहु जाति बंधु हमारे माता हैं सभी उपस्थित थे, और हमारे जो संरक्षक हैं श्री संगमार जैन देवी थे, हमारे अध्यक्ष अनुकुल राम सेठिया जी, हमारे सलाहकार भुवनराम जैन जी, और सभी मौजूद थे, और हमारे आते दो शास्त्र मौजूद थे। समय 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 पर समाज के द्वारा यह निर्णय लिया गया समाज का बैठक होगा और दिसंबर माह में परिचय शुरू करने का आयोजन। बस्तर जिले में शिक्षा विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई करते हुए दो शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। बड़े मुरमा के हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता चंद्रकांत प्रसाद और कल्चा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ कांति प्रसाद पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर संबंधित शिक्षकों की शिकायत हुई थी, जिसकी जांच छानबीन समिति द्वारा की गई। जांच के आधार पर सचिवालय स्तर से सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि कुछ माह पूर्व जिले के बास्तानार ब्लॉक में पदस्थ एक शिक्षक की सेवा फर्जी प्रमाण पत्र मामले में समाप्ति की गई थी। फिलहाल जिले के एक और शिक्षक के खिलाफ छानबीन समिति जांच कर रही है। ये दो लोग हैं, एक तो श्री चंद्रकांत प्रसाद है और ये व्याख्याता है, और दूसरा श्रीमती कांति प्रसाद है, ये कल्चा हायर सेकेंडरी में है। और चंद्रकांत प्रसाद जो है वो बड़े मुरमा में पदस्थ हैं। तो इस तरह से ये दोनों का जो है छानबीन समिति द्वारा जब जांच किया गया तो इनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया और शासन से इन्हें बर्खास्त करने के लिए निर्देशित किया। और कुछ लोगों की शिकायतें हैं, मगर ये छानबीन समिति द्वारा ही इसकी जांच की जाती है, तो कुछ लोगों की जाँच वहाँ पर चल रही है। श्री जलाराम सेवा ट्रस्ट समिति जगदलपुर के द्वारा एवं गुजराती समाज जगदलपुर के द्वारा श्री जलाराम बप्पा का 224वां जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह से ही कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सर्वप्रथम प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें समाज के सभी श्रद्धालु सम्मिलित हुए। यह प्रभात फेरी गुजराती भवन से होते हुए पूरे शहर के चौक चौराहों से गुजर कर वापस गुजराती भवन पहुंची। जलाराम मंदिर पहुंचने पर भगवान का विधि विधान पूर्वक आरती कर उन्हें स्थान ग्रहण कराया गया। उसके पश्चात श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। जलाराम समाज के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा गर्म कपड़ों का भी वितरण जरूरतमंदों को दिया जा रहा है, जिसका वितरण आज शुभारंभ किया गया। पिछले वर्ष गर्म कपड़ों का वितरण का जो अभियान था वह 10,000 लोगों तक पहुँचाया, जिसके पश्चात दोपहर के 3 बजे धूमधाम से समाज के प्रमुखों के द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। एनएमडीसी द्वारा प्रदूषित केमिकल युक्त उत्सर्जन की वजह से फसलें चौपट हो गई हैं। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की थी और इस समस्या से छुटकारा दिलाने की बात कही थी, मगर अब तक न तो एनएमडीसी और न ही जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है। इस बारे में बोलते हुए सरपंच लेखन बघेल ने मीडिया को बताया, ये जो एनएमडीसी के अंदर से केमिकल युक्त लोहा युक्त अनेक प्रकार का जो प्रदूषण वो जो है ना युक्त पानी बहकर किसानों का खेत में आ रहा है, और उसके कारण से पूरा फाइजन पूरे खेत में हो गया है। एक प्रकार का वो सिल्ट बन के ना वो पत्थर टाइप का खेत हो रहा है, और जो फसल लगी थी बहुत एक मतलब लोग जो है उधारी और कर्ज लेकर खेती का काम किया था, हमारा किसान गरीब तबके के लोग हैं, वो पूरा खेत का जो फसल है पूरा गल गया सड़ गया। उसी तारतम्य में हम लोग जिला प्रशासन को कुछ दिन पहले लिखित आवेदन दिए थे, इस क्षेत्र के पूरे 50-60 किसान लोग, उसी तारतम्य में जिला प्रशासन से मतलब तहसीलदार साहब पांडे सर और उनके पूरा अमला आए थे, साथ में मैनेजमेंट को भी बुला के लाए थे, और सारा किसान हम लोग और गांव के जो जनप्रतिनिधि है हम लोग, तो सारा खेत का हम लोग निरीक्षण किया,
और बड़े दुख की बात है कि ये जो बात है लगभग 6-7 साल से ये बात चल रही है। पहले तो मुरूम और मिट्टी खंखड़ मिला हुआ जो पानी बहता रहा उससे खेत में बहता रहा लाल टाइप का पानी होकर, उससे गोरो धीरे 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 जो फसल है कमजोर होता आया, लेकिन आज नहीं कल पानी जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि आश्वासन देते आए हैं प्लांट वाले कि धीरे से हम लोग प्लांट को जो क्या क्या प्लांट लगाएंगे बोले थे, ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे और पानी ना एकदम प्रदूषण रहित होकर निकलेगा, उसको अंडरग्राउंड करके नदी को भेजेंगे करके, या फिर पानी का जो अंदर उपयोग है उसमें भी उपयोग करेंगे, भेजने की भी जरूरत नहीं, ऐसा ऐसा करके आश्वासन देते आए थे। सांस के प्रक्रिया के हिसाब से किया जाएगा ये बोल रहे हैं, लेकिन सांस के प्रक्रिया के हिसाब से अब मुआवजा बहुत कम बनेगा, हम मुआवजा सांस के प्रक्रिया के हिसाब से नहीं लेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर ये जो हमारा खेत का नुकसान हुआ ये NMDC का प्रदूषण पानी के वजह से हुआ है, मैनेजमेंट के वजह से हुआ है, तो हम मैनेजमेंट से इसका पूरा पूरा भरपाई करवाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोग विशेष निवेदन जिला प्रशासन से कर रहे हैं, उच्च जनप्रतिनिधि से कर रहे हैं, शासन से कर रहे हैं। NMDC से 3 नंबर गेट से काला पानी हमारे खेतों में आ रहा है, जिससे हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। दो तीन बार जा करके NMDC में बोला गया, यहाँ तक कि कलेक्टर साहब के पास भी गया। आज NMDC से और वहाँ से तहसीलदार और पटवारी अरई सब आए, देख करके गए हैं, उनसे हम लोग अपना मुआवजा 3200 रुपये कुंटल या 3100 रुपये कुंटल जो हमको अभी शासन देगी उस हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाए, और जो भी हमारी क्षतिपूर्ति है उसका पूरे भरपाई किया जाए। हमारा खेत पूरा काला हो गया है, पूरी परत जम गई है काली काली, और उसको हम कैसे करेंगे, हमारा पूरा खेत बर्बाद हो रहा है, आगे हम फसल नहीं कर सकते हैं, इस पानी को भी रोका जाए। मांग कर रहे हैं लेकिन उन लोग हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं अभी तक। राजीव भवन शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयरन लेडी इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई, जिसमें शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य, महापौर शफीरा साहू, यशवर्धन राव, सतपाल शर्मा, हनुमान दुबे, नरेंद्र तिवारी, रविशंकर तिवारी, महेश सिंह, जाहिद खान, योगेश पानीग्राही आदि कांग्रेस जन मौजूद थे। टैक्स बार एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव 2023-25 हेतु 18 नवंबर को संपन्न हुआ, जिनमें यह पदाधिकारी निर्विरोध रूप से निर्वाचित किए गए। अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, सचिव प्रतीक चिखलीकर, कोषाध्यक्ष विपिन मालवीय, सह सचिव प्रतीक शर्मा, इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष के 2 पद हेतु शिशिर बेहरा एवं प्रफुल्ल पानीग्राही निर्वाचित किए गए हैं। चुनाव अधिकारी पी जयंत कुमार एवं सदस्यों द्वारा बधाई देते हुए सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी गई। सरगुजा में छठ पर्व की शुरुआत आज खरना के साथ हो गई है। नगर के शंकर घाट, विशुनपुर, महामाया मंदिर, मौलवी बांध, शिवधारी तालाब, जेल तालाब सहित श्याम घुनगुट्टा जलाशय और जिले के अलग अलग स्थानों पर तालाब और नदियों में छठ उत्सव को जोर शोर से मनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु शंकर घाट स्थित छठ घाट, दरिमा रोड स्थित घुनघुट्टा नदी में उमड़ रहे हैं। सभी तालाब नदी में पिछले दिनों ही आयोजित समिति द्वारा साफ सफाई कराई गई थी, जिस कारण श्रद्धालु आज सभी छठ घाटों पर छठ पूजन साफ सफाई के बीच अच्छे से कर पा रहे हैं। दरअसल बिहार का प्रमुख छठ पर्व अब सरगुजा संभाग में प्रमुखता से मनाया जाता है। इस पर्व में अब महापर्व का रूप ले लिया है। 3 दिवसीय सूर्य उपासना के अनुष्ठान के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। इस पर्व को लेकर सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं अपितु सर्व धर्म आगे आ रहा है, माँ छठी की आगे शीश नवा रहा है। नमना कला का है वार्ड नंबर 13 और 14 का मालवी बांध है, जहाँ पे यह छठ पूजा होता है, हर वर्ष होता है, ये विगत मेरे को लगता है 20-30 वर्षों से होते आ रहा है। 2 समिति है, एक नमना कला छठ पूजा सेवा समिति और नमना कला नागरिक युवा समिति है, जो कि लगातार इस आयोजन को सफल बनाने में लगी हुई है। ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा हमारे जो सेवा समिति के लोग थे, कुछ लोग इसमें कम हो चुके हैं, इस कारण थोड़ा सा हम भी इस बार पहले से कम व्यवस्था कर पाए, लेकिन कोशिश है कि कल हम लोग हो सके कि पूरा व्यवस्था कर सके। हम लोग मौली बांध आए हुए हैं, आज खड़ना है, खीर भोजन कहा जाता है, हिंदू धर्म का बहुत ही मतलब मान्यता वाला पर्व है और बहुत ही इसका महत्व है, इसे बहुत उत्साह से मनाया जाता है। सूर्य देव के लिए मनाया जाता है, जो सभी देवों से बड़े माने जाते हैं, सूर्य भगवान, छठी मैया, एक वही देव है जो दिखते हैं, जो हमें
साक्षात दिखाई देते हैं और उनका हम अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए और उनका उपवास व्रत है जो शाम को खीर भोजन बनाया जाएगा और इसी के खड़ना बोला जाता है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसे बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। छठ के सब चीज़ बहुत सफाई से करना पड़ता है, गुड़ दही गुड़ हो गई, गेहूँ हो गई, चावल हो गई, उसको धो के बीन के उसको बनाता है पूजा पाठ के लिए प्रसाद। छोटकी छठ के दिन आदमी उनको घाट पे आता है कलश लेके कसैली पान अगरबत्ती धूप पूजा करके आदमी जाता है घर में तो बनाता है, सजवतिया कहते हैं उसको, जाके घर में बनाते हैं खीर रोटी चावल बनाते हैं, बाल बच्चा के खिलाते हैं, पर प्रसाद लेते हैं, साँझ के शाम को सजवत देते हैं और सुबह सूरज भगवान को देते हैं। मान्यता है इसमें इस मान बहुत रखता है, जो मान मांगते हैं वो पूरा होता है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।